सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले चीन के लोगों को कोरोना वायरस को लेकर सख्त लॉकडाउन का पालन करना होगा। इसकी वजह से ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने से अपना तीसरा 5 साल का कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगे रहने की उम्मीद है। चीन के कुछ हिस्सों ने कोरोना वायरस में अचानक वृद्धि हुई है और पांचवी लहर के प्रकोप ने नागरिकों को एक बार फिर से सत्तावादी सरकार के अंतहीन लॉकडाउन के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के कड़े उपायों के बावजूद देश में बड़े पैमाने पर संक्रमण का आवर्ती प्रकोप शी जिनपिंग की तथाकथित शून्य कोविड नीति की विफलता साबित कर रहे हैं, जिसने लोगों के दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है और इससे धीमी पड़ रही अर्थव्यवस्था को भारी झटका दिया है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि चीन में कई लोगों को हफ्तों तक चलने वाले कोरोना वायरस लॉकडाउन के तहत सख्ती से गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। सरकार पूरे चीन में भोजन और चिकित्सा देखभाल की अपील भी कर रही है, क्योंकि नागरिक सत्तावादी सरकार के अंतहीन प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार शी जिनपिंग की सख्त कोविड नीति के तहत बीजिंग जैसे शहरों में निवासियों को कार्यालय, भवनों, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और सबको लॉकडाउन का पालन करने का अनिवार्य कर दिया गया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।